आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। वीडियो में हम कंप्यूटर के बेसिक से रिलेटेड कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन को जानेंगे कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में जो वर्किंग होती है वो कैसे होती है। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल होगा। अगर आपके लिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो आज के समय में कंप्यूटर लगभग हर क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, चाहे वो मिलिट्री का क्षेत्र हो, हॉस्पिटल्स हो, ऑफिस हो, कॉलेज हो, लगभग हर जगह हमें कंप्यूटर देखने को मिल ही जाता है। कंप्यूटर से बहुत सारे काम भी कराए जाते हैं। कंप्यूटर कैलकुलेशंस तो करता ही है, साथ ही साथ कंप्यूटर पर हम म्यूजिक सुनते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो देखते हैं, मूवीज देखते हैं। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर वेदर फॉरकास्टिंग का भी काम करते हैं, ग्राफिक्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे काम कंप्यूटर पर किए जाते हैं। और कंप्यूटर ने हमारी जो लाइफ है उसको इजियर और मोर कंफर्टेबल बनाया है। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर के डेफिनेशन की, तो ये सिंपल से डेफिनेशन तो लगभग सभी लोग जानते हैं और बोलते भी हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कंप्यूटर मशीन है और वो बिजली की सहायता से चलता है, इसीलिए कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, और सीपीयू होता है। तो कंप्यूटर से कनेक्टेड जो इनपुट डिवाइसेस होती है, जैसे इस इमेज में है जो कीबोर्ड है, माउस है, ये इनपुट डिवाइस हैं, और एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये एक प्रोसेसिंग यूनिट है, मॉनिटर है, ये आउटपुट डिवाइस है। तो ये सारी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, जिसे कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। तो जब भी कंप्यूटर से कोई भी काम हमें करवाना होता है, तो जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं लाइक कीबोर्ड, माउस, इनके द्वारा इनपुट दी जाती है। इनपुट हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हमारी कमांड होती हैं, ये सब जो भी इंस्ट्रक्शन है, कमांड है, इनपुट डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर को दी जाती हैं। फिर इसके बाद वर्क आता है सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में और भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी यूनिट, ये सब सीपीयू के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस, कमांड इनपुट डिवाइस के द्वारा दी गई है, उस पर प्रोसेसिंग का काम सीपीयू के अंदर होता है। फिर प्रोसेसिंग के बाद एक रिजल्ट क्रिएट होता है, जो रिजल्ट जो आउटपुट डिवाइसेस होती है, जैसे मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, उसके द्वारा यूजर को प्रोवाइड कराई जाती हैं। इस तरह कंप्यूटर वर्क करता है। आई होप आप लोगों के लिए मैंने जो बताया है वो समझ में आ गया होगा। और अगर आपके लिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। आगे के वीडियो में हम कंप्यूटर के बारे में और भी डिस्कशन करेंगे, जानेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती है, कंप्यूटर में जो सीपीयू के अंदर कंपोनेंट होते हैं वो कैसे वर्क करते, वो क्या होते हैं, और भी बहुत कुछ जानेंगे कंप्यूटर के बारे में। आप लोग कनेक्टेड रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।